नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर निशांत भाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन बोविस्टा के गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में, उसके पिक्यूलियर कीनोट सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के पिक्यूलियर सिम्टम्स के बारे में, उनके कीनोट सिम्टम्स के बारे में। बोविस्टा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज बात करने वाले हैं। बोविस्टा का जो पेशेंट होता है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन के डिस्चार्जेज, यानी कि उसकी किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन से जो डिस्चार्ज होगा वो टेनेसियस गाढ़ा होगा, चाहे वो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन से हो, चाहे वो बकल मेम्ब्रेन से हो, चाहे वो विजाइनल से हो, किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज जो है वो गाढ़ा होगा, टेनेसियस होगा, स्ट्रिंजी होगा। इस प्रकार का सिम्टम अगर मैच कर रहा हो तो बोविस्टा आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। दूसरा जो सिम्टम है बोविस्टा का जो पेशेंट है वो ऑकवर्डनेस से को फील करता है, यानी कि उससे चीज़ें जो है छूट जाती हैं। कोई भी काम करते हुए कोई भी चीज़ अगर वो हाथ में पकड़ता है और उसको लेके वह काम कर रहा है और करते करते अचानक से इनवॉलेंटरली उसके हाथ से वह चीज़ जो है छूट जाती है, गिर जाती है। इस प्रकार का सिम्टम भी बोविस्टा में मिलता है। बोविस्टा का जो पेशेंट है उसमें टाइट क्लोथिंग जो है, यानी कि टाइट कपड़े वह सहन नहीं कर पाता, जैसे लेकेसिस में होता है उसी प्रकार से बोविस्टा में भी वह वेस्ट के अराउंड में अपनी कमर के आसपास में टाइट क्लोथिंग को टॉलरेट नहीं कर पाता है, यह उसको प्रॉब्लमेटिक महसूस होता है। बोविस्टा का जो पेशेंट है उसका जो एक्जिलरी डिस्चार्ज है, यानी कि आर्मपिट्स में पसीना जो आता है उसमें ओनियन की स्मेल आती है, प्याज जैसी दुर्गंध आती है, अगर यह सिम्टम मिल रहा हो तो बोविस्टा आपके लिए उपयुक्त है। बोविस्टा का जो पेशेंट है वह किसी भी प्रकार का ब्लंट इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़ हाथ में पकड़ता है, चाहे वो कैंची हो, चाकू हो, या कोई भी जो रूटीन एक्टिविटी के लिए पेन, पेंसिल, कुछ भी वह हाथ में पकड़ता है तो उसके इम्प्रेशंस जो हैं हाथ पर जम जाते हैं, या ऐसा लगता है, पता चलता है देखते ही कि यहाँ पर इस हाथ से उसने कोई चीज़ जो पकड़ी थी उसका शेप वह ले लेता है। अगर इस प्रकार का सिम्टम मैच कर रहा हो तो बोविस्टा आपके लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। बोविस्टा का जो पेशेंट है उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है फीमेल पेशेंट का वो रात के वक्त ज़्यादा होता है, रात के वक्त ही होता है, ऐसा यह पिक्यूलियर सिम्टम देखने को मिलता है। बोविस्टा की जो पेशेंट है उसको मेंस्ट्रुएशन के पहले, यानी कि पीरियड आने से पहले और पीरियड के दौरान, दोनों ही टाइम पे डायरिया की कंप्लेन जो है हर पीरियड के आसपास यह अकर होती है, और ऐसा यह पिक्यूलर सिम्टम अगर मिल रहा हो तो बोविस्टा आपके लिए बढ़िया मेडिसिन है। बोविस्टा के पेशेंट को इनटॉलरेबल इचिंग होती है, सहन नहीं कर पाता वह, इतनी ज़्यादा खुजली होती है, वो भी उसको कॉक्सिक्स पार्ट पर, यानी कि टेल बोन पर उसको यह समस्या खुजली की होती है, और वह खुजा खुजा कर वह उसको स्क्रैच करके उस पार्ट को बिल्कुल रॉ बना देता है, एकदम जो है शोर बना देता है। ऐसी कंडीशन हो तो बोविस्टा आपके लिए उपयुक्त मेडिसिन है। अर्टिकेरिया के वो पेशेंट जिनमें कि रस्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा इंडिकेटेड फील हो रही हो, दिख रही हो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, लेकिन रस्टॉक्स देने के बाद भी अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा हो तो ऐसे पेशेंट्स को बोविस्टा देने पर अर्टिकेरिया की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये थे कुछ पिक्यूलियर कीनोट सिम्टम्स बोविस्टा होम्योपैथिक मेडिसिन के। अगर यह आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।